हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल MAPS। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, पहले बात करते हैं पर्यावरण की कि पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है या पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट का हिंदी रूपांतरण है। जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा से निकला है, फ्रेंच शब्द एनवायरन से निकला है जिसका अर्थ है आसपास का वातावरण। ठीक है, और अगर हम हिंदी में बात करें पर्यावरण तो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का मतलब है चारों तरफ और आवरण का मतलब है घेरा, यानी अपने आसपास चारों ओर जो भी चीज़ें विद्यमान हैं। प्रकृति में जो भी चीज़ विद्यमान है, चाहे वो वायु है, जल है, मृदा है, पेड़ पौधे है, ये सब क्या है, पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ लिया। बच्चों, अगर आज से हम साल दो साल सॉरी 50 साल 100 साल पीछे जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो आज ये पर्यावरण की समस्या है वो पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या हो रहा है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और इन्हीं पर्यावरण के मसलों से निपटने के लिए विभिन्न देश आपस में बात करने को तैयार हुए कि ऐसे कौन से कारण थे जिस मसले के लिए ये बात करने के लिए सारे देश तैयार हुए। ये थे कृषि योग्य भूमि का घटना। जैसे ही कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है, जनसंख्या, इसका कारण क्या है, जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि योग्य भूमि घट रही है। मत्स्य भंडार घट रहा है, यानी कि जो मछलियां हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण बढ़ रहा है और पीने योग्य पानी की कमी हो रही है। हम मानते हैं कि नदियों झरनों के साथ साथ समुद्र में भी पानी का विस्तार है, लेकिन समुद्र का पानी क्या है, पीने योग्य नहीं है। और इसके साथ साथ हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जो विश्व की जनसंख्या है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मुख्य समस्या ये नहीं है कि पानी की समाप्त हो जाएगा, मुख्य समस्या ये है कि ये जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को पानी की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो पानी उपयोग में लाया जाता है उसकी मात्रा तो सीमित है, जबकि उसकी पूर्ति की मांग असीमित है, यानी कि पानी हमारे पास सीमित है और हमें चाहिए उससे ज़्यादा। पानी की आवश्यकता केवल मानव जाति को ही नहीं है बल्कि पशुओं पक्षियों को भी होती है, और इसके साथ साथ इसका प्रयोग कृषि के लिए भी किया जाता है, कारखानों के लिए भी किया जाता है। और सबसे चिंता का विषय तो तब हो जाता है जब समुद्री नदियों जल के जो अन्य स्रोत हैं, विषैले रसायनों, पेट्रोलियम उत्पादनों, DTD जैसे जो कीटनाशक होते हैं और इन तरह की चीज़ों से गंदगी का भंडार बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल क्या होता है, ये जल को प्रदूषित करते हैं, उत्पादन में कमी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। यही कारण है कि पर्यावरण के मसले पर बातचीत करने के लिए सारे देश तैयार हुए। जो पर्यावरण की ये समस्याएं हैं, ये आप सोचेंगे कि ये पर्यावरण और प्राकृतिक तो ये ज्योग्राफी का लेसन है, ये पॉलिटिकल में क्यों डाला गया, तो इसके पीछे रीज़न है बच्चों। पर्यावरण की जो ये समस्याएं हैं, ये अकेला कोई देश नहीं इस समस्या का हल ढूंढ सकता, चाहे वो भारत है चाहे वो अमेरिका है। इसके लिए क्या है, सभी देशों के द्वारा इसमें मिल बैठ कर ही इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है या उन समस्याओं से सुलझने के लिए उपाय ढूंढे जा सकते हैं, इसीलिए इसे राजनीति का मुद्दा माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस विद्वानों का एक समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने दर्शाया कि जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार से संसाधन कम हो रहे हैं,
किस प्रकार संसाधन घट रहे हैं, यानी कि पर्यावरण में जो संसाधन घट रहे हैं या जो असंतुलन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, जनसंख्या के बढ़ने के कारण हो रहा है। और UNEP ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बहुत से सम्मेलन करवाए। UNEP यानी इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इन्होंने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बहुत से सम्मेलन करवाए, उनमें सबसे पहला है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन कब हुआ, ये 1992 में यानी 1992 में किस लिए हुआ, पर्यावरण और विकास के मुद्दों के लिए ये सम्मेलन किया गया। किस शहर में किया गया, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। इसमें लगभग 170 देश शामिल हुए और हजारों स्वयं सेवी संगठन शामिल हुए थे, यानी NGO शामिल हुए थे। इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों ने भी इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन में सिर्फ 5 वर्ष पहले एक रिपोर्ट छपी थी, किस नाम से, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि जो देश या लोग अपने आर्थिक विकास के लिए जो ये तौर तरीके अपना रहे हैं वो टिकाऊ नहीं होंगे। यहाँ एक बात खुलकर सामने आई कि जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के देश हैं उनके अलग अलग एजेंडे हैं। कैसे कि ये मानते हैं ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो देश थे वो कौन कैसे थे, अमीर और विकसित देश थे, ठीक है। और दक्षिण गोलार्ध में जो देश थे वो थे गरीब और विकासशील। इन अलग अलग गोलार्धों के जो एजेंडे थे वो भी अलग अलग थे। कैसे, उत्तरी गोलार्ध को मुख्य चिंता थी कि जो ओजोन परत में छेद हो रहा है उसकी चिंता थी, वो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता थी। जबकि दक्षिण गोलार्ध के देशों की समस्या थी कि अब वो अपने देश का आर्थिक विकास कैसे करें और गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए। क्या थे वो, जैसे एजेंडा 21 तैयार किया गया था, इसमें विकास के कुछ तौर तरीके अपनाए गए। लेकिन क्या हुआ, एजेंडा 21 की भी आलोचना हुई, क्यों कि इसमें विकास के तरीकों पर अधिक ध्यान दिया गया था और पर्यावरण पर कम ध्यान दिया गया था। यानी कि इसलिए आलोचना की गई कि हमें अभी पर्यावरण संतुलन यानी कि पर्यावरण को बचाए रखने पर ध्यान देना था, ना कि विकास में। विकास तो आने वाले समय में भी हो जाता है। पर्यावरण से संबंधित जो भी तरीके थे वो बताने चाहिए, लेकिन इसमें क्या बताया गया था, विकास के तौर तरीके बताए गए थे, इसीलिए इसकी आलोचना की गई। टिकाऊ विकास, अब उसके जगह टिकाऊ विकास की बात सामने आई कि एक ऐसा आर्थिक वृद्धि का ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। आर्थिक वृद्धि भी हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा।